मस्तों की दरगाह पर जब उर्स होता है तो आस्थाने पर अकीदतमंदों का हुजूम लगता है। ऐसा ही उर्स खरगोन जिले के सनावत के खंडवा रोड कब्रस्तान स्थित बाबा फकरू मस्तान की दरगाह पर 3 दिवसीय उर्स का समापन हुआ। 3 दिवसीय उर्स का आगाज संदल और चादर का जुलूस शानो शौकत से निकला। 12 तारीख को लंगर और तकरीर हुई और आज सुबह सुफियाना कव्वाली महफिले रंग इंदौर के कव्वाल एंड पार्टी ने पेश किया। 3 दिवसीय उर्स में सैकड़ों लोगों ने दरगाह पर जाकर अपना शीश नवाया, चादर पेश की और मुरादें मांगी। दरगाह के खादिम शब्बीर खान ने बताया कि बाबा फकरू मस्तान मस्त थे, जिनका कौन था अल्लाह जाने मौला जाने, इसी तकिया कलाम से लोगों को दुआएं देते थे और उनकी मन्नतें पूरी होती थी। 5 साल पूर्व फकरू मस्तान बाबा का इंतकाल हुआ और उनका दफन खंडवा रोड स्थित कब्रिस्तान पर अकीदतमंदों ने किया। तभी से उनका उर्स मनाया जाता है और दूर दूर से उनके चाहने वाले उर्स में शामिल होते हैं। इस बार भी 3 दिवसीय उर्स में लंगर, तकरीर और सूफियाना कव्वाली का कार्यक्रम हुआ। आयोजन समिति के सदर मिर्जा ताहिर बेग ने बताया कि दरगाह पर सैकड़ों लोग आते हैं और जब से यह दरगाह बनी है तब से इस क्षेत्र में एक्सीडेंट ना के बराबर हुए हैं। यह बाबा का ही कर्म है कि पहले यहाँ पर हर सप्ताह दुर्घटनाएं होती थी, मगर जब से बाबा का यहाँ आस्थाना बना है तब से यहाँ दुर्घटनाएं ना के बराबर होती है। तो उर्स में सैकड़ों लोगों ने शामिल होकर अकीदत पेश की। सनाव से आशिक अली की रिपोर्ट। ऐसा लगता है आपको कि यहाँ पर जो जायरीन आते हैं वो यहाँ पर मुराद पूरी होती तो दोबारा आते हैं? ये जो दरगाह है ये दरगाह कब्रिस्तान में है और सड़क के किनारे है। कभी कोई ऐसा हादसा हुआ है क्या इसके आसपास? कभी ऐसा कुछ भी नहीं हादसा हुआ जब से उर्स बनाना चालू हुआ, उससे पहले होता था। बाबा के आने के बाद में यहाँ पर कोई हादसा नहीं हुआ, यानी कि ये सड़क भी महफूज हो गई इनकी वजह से? बाबा के आने से सड़क महफूज हो गई, यहाँ कोई हादसा होना बंद हो गया, यहाँ पे बाबा का बहुत करम रहा है यहाँ। ठीक बाबा साहब, ये जो उर्स है बाबा फकरू मस्तान का कितने वर्षों से मनाया जा रहा है? ये 5 वर्षों से बाबा फकरू मस्तान का उर्स मनाया जा रहा है। क्या होता है उर्स के अंदर, कितने दिनों का होता है ये उर्स? उर्स बाबा फकरू मस्तान का 3 दिनों के लिए होता है। पहले दिन संदल चादर होता है, पूरे गांव का गश्त के आस्थाने पे आते हैं और दूसरे दिन आम लंगर होता है और शाम में तकरीर होती है रात में, और तीसरे दिन महफिल आस्थाने पे होता है। ये जो यहाँ पर अपने उर्स हो रहा है ये बाबा फकरू मस्तान कहाँ कहते हैं, यहीं पर उनका विसाल हुआ था? नहीं, इनका विसाल बाग टांडा इधर झाबुआ साइड में है, बाग टांडा वहाँ इनका तो हुआ था और ये यहाँ आ गए थे। जब से ये यहीं सनावदी रहते हैं और बहुत अच्छे अल्लाह के वली हैं। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर? यहाँ सब चारों तरफ से आते हैं, इंदौर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, उज्जैन, सब दूर से इनको जिनके चाहने वाले हैं जो सभी आते हैं। ये आज जो महफिल रंग हुआ था उसमें कहाँ से कव्वाल आए थे? ये हमारे इंदौर से आफ्ताब कादरी कव्वाल रंग के लिए आए हैं खजराना से, और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कलाम पढ़े हैं। और कितने दिन चलेगा और सी ये? बस आज आखिरी है, लंगर होने के बाद में, रंग के बाद में, लंगर होने के बाद में समाप्त हो जाएगा, खत्म हो